नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे साइंस क्विज 2 के बारे में। साइंस क्विज 2 हम लेंगे, साइंस क्विज 1 जो है पहले हमने डिस्कस किया था, उसमें साइंस के कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे। इसी तरह से साइंस क्विज 2 में भी हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, तो ध्यान से इस क्विज को समझिएगा। अगर आप इनको जानते हैं तो आंसर दीजिएगा इन क्वेश्चन के। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन ऑफ ए बॉडी, यानी कि कोई भी बॉडी है तो हम रेस्ट या फिर मोशन जो है कब कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। तो अगर रेस्ट की बात करें तो बॉडी रेस्ट में कब होती है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो इसको समझते हैं कि यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है और यहाँ पे कोई बॉडी है और ये बॉडी जो है यहीं पर पड़ी हुई है, तो आप उसको देख रहे हैं 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, लेकिन जो है यहीं पर है आपके हिसाब से। जब भी आप यहाँ से जाते हैं यहीं पड़ी आपको मिलती है, यानी कि जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग क्या है, इसके चारों तरफ का जो, इसके चारों तरफ का जो भी वातावरण है, जो भी एरिया है, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये पोजिशन को चेंज नहीं कर रही, वो एक ही जगह पर पड़ी है। तो इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं कि वो जो बॉडी है रेस्ट पे है, यानी कि ये जो पोजीशन को अपनी चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी कि आसपास का जो भी एरिया है, जो भी आपके आसपास है, जितना भी आप उसको एनलार्ज कर सकते हैं, तो वो चीज। मोशन में कब होगी बॉडी, अगर वो बॉडी चेंज कर लेती है अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो जब होगी ये मोशन में। अब मान लीजिए एक सरफेस है और एक बॉडी है और आप यहाँ पर जो है खड़े हैं, मान लीजिए आप बॉडी के पास खड़े हैं इस तरह से और आप जो है इसको देख रहे हैं, और ये जो बॉडी है पहले यहाँ पे थी और कुछ ही सेकंड में मान लीजिए वो यहाँ पर पहुंच जाती है, पोजीशन सेकंड पर पहुंच जाती है। तो ये क्या थी, ये जी थी इसकी पोजीशन जो फर्स्ट पॉइंट पे थी और फिर जो है ये थी इसकी फाइनल पोजीशन आफ्टर सम सेकंड, तो ये हो गई फाइनल पोजीशन उसकी। तो ये क्या थी, इनिशियल पोजीशन थी, यानी कि पहले जो थी वो इस स्टेज पे थी। अब इसने क्या किया है, सराउंडिंग से अगर आप देखें जिसमें आप भी हैं, अगर आपके विद रिस्पेक्ट टू ये पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो बॉडी है ये मोशन में है। जैसे कि आपके, आप कहीं खड़े हैं और ट्रेन आपके पास से जा रही है, मोशन में है। कोई बाइक जा रही है आपके पास से, वो मोशन में है, चाहे आपकी तरफ आ रही है चाहे आपसे दूर जा रही है, वो मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन क्या है, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को पोजीशन से रिलेट कर सकते हैं, अगर चेंज करे तो मोशन में है सराउंडिंग से विद रिस्पेक्ट टू, अगर नहीं चेंज करे वो तो वो रेस्ट में है। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी, अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है, मोशन हमने देखा कि अपनी वो पोजीशन को चेंज कर ले विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होती है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लीजिए ये कोई रास्ता है और आप इस पे जो है कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी, ये सी और डी, और ये जो सारा ए से बी तक की मान लीजिए जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की है, इसी तरह से ये भी जो है ये भी 5 किलोमीटर की है और ये भी जो है ये भी 5 किलोमीटर की है, और इसके लिए जो है मान लीजिए कोई भी बॉडी है, कोई बाइक है या कोई कार है, इस तरह से कोई भी चीज ले लीजिए, और वो जब ए से बी मूव करती है तो वो उसको एक जो है मिनट में मान लीजिए या एक घंटे में कुछ भी मान लीजिए, तो वो जो है उसको तय करती है इस दूरी को। मान लीजिए एक घंटा, मान लीजिए एक आवर में मान लीजिए ये इतनी दूरी तय कर लेती है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो किलोमीटर पर आवर जो है वो कितनी होगी, यानी कि 5 किलोमीटर वो एक घंटे के अंदर चल रही है। अब जो नेक्स्ट वो बी से सी जाती है वो भी एक घंटे के अंदर जाती है, एक घंटे में वो 5 किलोमीटर तय करती है, सी से डी भी वो एक घंटा लेती है 5 किलोमीटर को तय करने में, यानी कि टाइम इंटरवल क्या है हमारा, एक एक घंटे का है, और एक एक घंटे में वो 5-5 किलोमीटर ही तय कर रही है, यानी कि टाइम इंटरवल सेम है ए से बी, बी से सी, सी से डी, और जो जो इसने दूरी ट्रेवल की है वो भी सेम है। तो इस तरह से, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा बॉडी का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि अगर बॉडी कवर करे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
तो इसको हम समझते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस अगर वो कवर करे, मान लीजिए इस तरह से कोई बॉडी है और यहाँ पे आप ए पॉइंट ले लीजिए, ये बी पॉइंट ले लीजिए, सी पॉइंट ले लीजिए, डी पॉइंट ले लीजिए। अब मान लीजिए ए से बी पहुंचने में इसने 1 घंटा लिया, बी से सी पहुंचने में भी 1 घंटा लिया, और सी से डी पहुंचने में भी 1 घंटा लिया। लेकिन ए से बी की जो दूरी थी मान लीजिए 5 किलोमीटर थी, और बी से सी उसने 1 घंटे के अंदर फिर जो है 7 किलोमीटर दूरी तय की, और फिर सी से डी मान लीजिए उसने 4 किलोमीटर दूरी तय की। अब देखिए टाइम इंटरवल क्या है, 1-1 घंटे का है सब पॉइंट्स के बीच में, लेकिन ये जो है दूरी जो तय कर रही है ये अनइक्वल तय कर रही है, यानी कि पहले 1 घंटे में इसने 5 किलोमीटर चली, दूसरे 1 घंटे में 7 किलोमीटर चली, तीसरे 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चली, तो अनइक्वल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो ये होगा किसी भी बॉडी का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं आप ध्यान रखिएगा। अभी हम देखिए स्पीड के अंदर क्या ले रहे हैं, हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम है, और वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट लिया डिवाइड बाय टाइम। अब ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। अभी स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है कि वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और स्पीड के अंदर आप डिस्टेंस की बात करते हैं। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये क्या होगी, डिस्टेंस को आप क्या लिखते हैं मीटर, और टाइम को सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड है, ये भी जो है मीटर पर सेकंड है, यानी कि यूनिट जो है इन दोनों की ही सेम है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिया गया है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो डिस्टेंस है वो क्या होता है वो जान लेते हैं। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, अब इसको समझिए, मान लीजिए कोई बॉडी है और वो जो है वो मूव कर रही है, यहां से वो यहां गई और फिर जो है यहां से वो यहां आई, मान लीजिए यहां पे आ गई, यहां पे आप पॉइंट दे दीजिए, ये ए पॉइंट था, ये बी पे गई, ये सी पे गई, और फिर ये यहां से यहां आ गई, ये डी पे गई, और फिर यहां से यहां आ गई, यहां पे आ गई, ये ई पॉइंट पे आ गई। अब इसने जितना भी जो पाथ कवर किया है ये टोटल डिस्टेंस होता है, मान लीजिए यहां से यहां तक 5 किलोमीटर था, और यहां से यहां तक मान लीजिए 4 किलोमीटर था, और फिर यहां से यहां 3 किलोमीटर था, यहां से यहां जो है 2 किलोमीटर था, इस तरह से चला, यानी कि 5 किलोमीटर चला, फिर 4, यानी कि 5 + 4, और फिर +3, और फिर +2, ये सारा जो डिस्टेंस आएगा ये टोटल जो पाथ इसने कवर किया है उसके बराबर आएगा, यानी कि 5, 4, 9, 9, 2, 11 और 3, 14, 14 किलोमीटर जो है इसका एक्चुअल जो पाथ है इसने ट्रेवल किया है। जितना भी चलेगा, चाहे ऐसे चले, ये ऐसे चलता रहे, कैसे भी चलता रहे, जितना भी ये चलता रहेगा सारा ही मेजर करना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस है। तो एक्चुअल पाथ जो भी कवर करेगा बॉडी के द्वारा वो डिस्टेंस है। तो स्पीड हमारी क्या होती है, जैसा कि हमने जाना, डिस्टेंस बाय वो टाइम होती है। अब जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्चुअल पाथ कवर है, यानी कि जितना भी पाथ कवर करेगा, तो वो चीज है। अब इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं, या फिर इसको आसानी से समझने के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बॉडी है और वो जो है यहां पर आ गई बी पर, और यहां से यहां तक की जो दूरी है मान लीजिए वो 10 किलोमीटर है। अब वो ए से बी पर गई, लेकिन फिर बी से आकर वो दोबारा से जो है बीच में चली गई, मान लीजिए बी से आई, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये जो बी है दोबारा से यहाँ बीच में कहीं पे यहाँ पर आ गई सी पॉइंट, और यहां से यहां इसने जो दूरी तय की मान लीजिए ये 5 किलोमीटर है, तो यानी कि ये वापस जो पहले तो ए से बी पे आई और बी से जब ये सी पे आई तो 5 किलोमीटर इसने दोबारा तय की वापिस। अब जो है हमें किससे लेना देना है, जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी और जो इसकी फाइनल पोजीशन है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि ए से बी और बी से सी, नहीं, वो डिस्टेंस होगा ए से बी और बी से सी, यानी कि ए से बी 10 और बी से सी 5, यानी कि 15 किलोमीटर वो डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या होगा, 5 किलोमीटर, यानी कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का कितना डिस्टेंस है सिर्फ ये उसी पे ही डिपेंड करेगा, चाहे बॉडी किसी तरह से चल रही हो, चाहे इस तरह से चल रही हो, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ये होगा।
अब ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये 5 किलोमीटर है ये 4 किलोमीटर है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना कि ये और ये जो इसने पाथ चला है, नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कह सकते हैं या फिर इनिशियल पॉइंट या कहें कि इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन जो है उस पे ही ये डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी के अंदर हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास दोनों चीजें हों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड है और ये जो डायरेक्शन है ये क्या चीज है, अब मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीट्यूड होता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लीजिए 20 है 10 है, ये क्या है मात्रा होती है, मात्रा मैग्नीट्यूड, तो कोई भी वैल्यू होगी। अब मान लीजिए इसके साथ कुछ किलोमीटर है, मान लीजिए 1 किलोमीटर आपने ले लिया, ये तो हो गया इसकी सिर्फ जो मात्रा है और इसकी जो यूनिट्स हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ जो है एक और चीज जोड़ दें, यानी कि 20 किलोमीटर ड्यू ईस्ट या टुवार्ड्स ईस्ट कर दें कि ये ईस्ट की तरफ गया, या 10 किलोमीटर टुवार्ड्स ये वेस्ट की तरफ गया, अगर आप इसमें डायरेक्शन जोड़ देते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है, तो वो हमारी हो जाती है वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही, उसके पास डायरेक्शन भी होगी, तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो और डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि हम मास की बात कर लें, तो मान लीजिए 20 kg है, यहाँ पे सिर्फ जो है मास है हमारे पास, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो 20 kg एक मास, यानी कि ये क्या है स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ये क्या होती है, हमने मोशन की बात की, अब एक्सेलरेशन क्या है, अगर इसका फॉर्मूला हम देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज होती है विद टाइम वो एक्सेलरेशन होती है। तो एक्सेलरेशन को आप क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए इसका हम एग्जांपल अगर लें, तो मान लीजिए एक कोई बिल्डिंग है, इस तरह से कोई बिल्डिंग है, और यहां से जो आप कोई चीज को गिरा देते हैं नीचे, तो ये क्या है जब बॉडी फ्री फॉल के अंदर होगी तो ये जो सरफेस तक आ रही है तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होती है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन किसके कारण होती है, ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या इसी तरह से आप कह लें कि मान लीजिए आप व्हीकल चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल है और आप उसको चला रहे हैं, और जैसे ही आप उसकी जो है गति को एकदम से बढ़ा देते हैं, जैसे कि आपने गति बढ़ा दी, बढ़ाते चले जा रहे हैं, स्पीड पर चले जा रहे हैं, तो वो एक्सेलरेशन होती है कि आप जैसे ही गति बढ़ाते हैं उसको भी एक्सेलरेशन बोलते हैं, लेकिन अगर कम करते हैं उसको डिसेलरेशन बोल देते हैं कि आपने गति जो है कम कर दी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो जिस रेट से वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है बदलाव विद टाइम, तो उसको एक्सेलरेशन हम बोल देते हैं। अब वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म कब होगी, मान लीजिए वेलोसिटी है आपकी 5 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हैं, हर एक सेकंड में 5 मीटर, तो एक्सेलरेशन वहां पे 0 होगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आप गति तो बढ़ा ही नहीं रहे, आपकी जो वेलोसिटी है वो सेम है, 5 मीटर पर सेकंड की गति से आप चल रहे हैं, बस चले जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से, आपने एक्सेलरेशन गति नहीं दी, तो एक्सेलरेशन वहां पे 0 होगी। ये ध्यान रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी आना चाहिए, जैसे 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे के अंदर वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तीसरे के अंदर वो और बढ़ गई, इस तरह से गति के अंदर चेंज आना चाहिए, तो एक्सेलरेशन होता है। अब रिटार्डेशन क्या होता है, अगर कोई चीज जो है, यानी कि एक्सेलरेशन का उल्टा आप बोल सकते हैं, कोई वेलोसिटी है कम होती जा रही है, डिसेलरेशन हो रही है, तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं, विरोध बोलते हैं, कि गति को आप जो है कम करते जा रहे हैं, जैसे ब्रेक आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिटार्डेशन, आप उसको विरोध दे रहे हैं, गति को कम करते जा रहे हैं, रिटार्डेशन को हम कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर डिसेलरेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये होती है हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफ हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्राफ हैं ये हमें क्या क्या दिखाते हैं। अगर आप इनको समझ पाए तो आप जो है आप आंसर दे सकते हैं। डिस्टेंस जो है यहाँ पे दिया है वर्टिकल एक्सिस पे, यहाँ पे टाइम दिया है,
यानी कि डिस्टेंस और जो टाइम है, यानी कि एक बॉडी चल रही है, बॉडी मूव कर रही है। अब यहां पे देख लेते हैं, एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। अब ये मूव कर रही है यानी कि ये जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम के अंदर। एक तरह से ये जो है बिल्कुल बीचों बीच लाइन जा रही है। तो ये जो है एक तरह से डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम का ग्राफ है। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में, इस तरह की अगर लाइन आपको मिलती है। अब ये जो ग्राफ है इसके अंदर देखिए, डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, और ये जो है इस तरह की लाइन है, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। अब डिस्टेंस और टाइम में एक सीधी लाइन हमें मिल रही है, यानी कि जो डिस्टेंस है टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा। आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 जो मीटर है या किलोमीटर है कुछ भी ले लीजिए, और यहाँ पे सेकंड है, मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे 2 सेकंड है, टाइम है। 1 सेकंड पे भी 4 मीटर, 2 सेकंड पे भी 4 मीटर, 3 सेकंड पर भी 4 मीटर, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, बॉडी जो है हमारी रेस्ट पर है, वो डिस्टेंस के जो है टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, क्योंकि वो तो रेस्ट पर है। तो ये जो है बॉडी रेस्ट पर हमारी रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम स्पीड ले लें और यहाँ पे टाइम ले लें, तो यानी कि स्पीड जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है, बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। जैसे यहाँ यूनिफॉर्म मोशन था, ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ था, अगर स्पीड और टाइम के बीच में देखें तो स्पीड जो है चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, और ये जो है वेलोसिटी और टाइम यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यहाँ वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इक्वल इंटरवल में चेंज हो रही है, तो यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरह से होगा। तो इस तरह से कोई भी ग्राफ है आप समझ सकते हैं, अगर आपके सारे बेसिक क्लियर रहते हैं तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इसमें कॉन्स्टेंट रहती है, यानी कि चेंज ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए इसको समझते हैं, काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है कि चेंज ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है और वो मूव कर रही है, इस तरह से वो मूव कर रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं, इस तरह से टेबल ड्रा कर लेते हैं। अब ये हमारा जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय जो टाइम है वही है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है हमारी, ये होती है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ये जो फॉर्मूला इसका होता है v माइनस u बाय t, आप इसको लिख सकते हैं। इसी से जो इक्वेशन बनती है v माइनस u इक्वल टू ए टी वी बनती है, यानी कि t को अगर आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे a एक्सेलरेशन है, कुछ भी आप ले लीजिए, किसी तरह से फॉर्मूला आप बना सकते हैं अगर आपके पास फॉर्मूले याद हैं आपको। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, अब इसके अंदर ले लेते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर मान लीजिए ये जो है ये हमारी बॉडी जो मूव कर रही है, स्टार्टिंग में वो चली मान लीजिए हमारी 5 मीटर चली, और जो अगले जो है फिर जो वो चली वो 10 मीटर चली, फिर वो 15 मीटर चली। और अगर हम यहाँ पे टाइम की बात कर लें, यानी कि टाइम की बात कर लें, तो यहाँ पे मान लीजिए ये तो 5 मीटर चली पहले, और फिर जो है ये पर सेकंड लगा लेते हैं कि 1 सेकंड के अंदर और फिर 1 सेकंड के अंदर, यानी कि जो एक एक सेकंड में ये 5 मीटर चली, ये 1 सेकंड में चली, और फिर जो है दूसरे सेकंड में अगर हम देखें तो इसने 10 मीटर की ये चली, यानी कि ये 10 मीटर चली, अब दूसरे सेकंड में 10 मीटर चली, और तीसरे सेकंड के अंदर अगर हम बात करें ये 15 मीटर चली, 15 मीटर चली। अब देखिए ये क्या है, पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में ये चली 10 मीटर, तीसरे सेकंड में 15 मीटर, यानी कि अगर हम देखें इसकी वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है। पहले सेकंड में 5 मीटर थी, दूसरे में 5 मीटर और ऐड हो गई, तीसरे में 5 मीटर और ऐड हो गई, इक्वल इंटरवल में बढ़ रही है। तो यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम टाइम देखें तो हर सेकंड देखें तो वो जो है इक्वल है, तो इसको हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सिंपल आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल है
और जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी इक्वल है। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आ जाएगा, मान लीजिए कोई बॉडी है और वो पहले सेकंड के अंदर जो है मान लीजिए वो 5 मीटर चली, और आगे जो दूसरा सेकंड था मान लीजिए जो दूसरा सेकंड है यहाँ पे वो चली 8 मीटर, इस तरह से चली, और जो मान लीजिए तीसरा सेकंड था ये चली यहाँ पे 14 मीटर चली, इस तरह से चली। तो यहाँ पे देखिए पहले सेकंड में 5 मीटर चल रही थी लेकिन दूसरे सेकंड में 3 मीटर की उसने जो वृद्धि ली, और तीसरे सेकंड में उसने जो है यहाँ 6 मीटर की वृद्धि ले ली, यानी कि यहाँ 5 था, यहाँ पे गैप देखिए यहाँ 3 मीटर का था, यहाँ 6 मीटर का है। इस तरह से देखिए जो इसके अंदर क्या हो रहा है, अनइक्वल चल रहा है, या 14 मीटर है या मान लीजिए यहाँ आप 3 मीटर ले लें, यानी कि हर एक सेकंड में ये अनइक्वल जो है स्पीड जो है वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अनइक्वल वेलोसिटी जो है वो गेन करे, हर एक सेकंड में अलग अलग वेलोसिटी गेन करे। तो यानी कि सेम ना हो कि एक सेकंड में 5 मीटर था, दूसरे में 10 हो गई, तीसरे में 15 हो गई, नहीं, ये जो है अनइक्वल जो है इसके अंदर हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। तो अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो हमें क्या करना होगा, 13 क्वेश्चन जो है हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 5/18 से ही क्यों करना है ये देखते हैं, तो ये भी समझते हैं कि किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम कह रहे हैं कि 5/18 से उस टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा क्यों। अब देखिए किलोमीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो आप ऐसे लिख लीजिए। आवर के अंदर कितने, जो एक आवर के अंदर कितने मिनट और कितने सेकंड, तो एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सेकंड है। अब देखिए ऊपर 1000 है, नीचे क्या आ गया, 6 × 6 36, 3600 आ गया, ये इससे कट आउट हो गया, और 2 पे हम इसको कट आउट करते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 18 = 36, और यहाँ पे क्या था मीटर, यहाँ पे क्या था सेकंड, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। तो आप सीधा कह सकते हैं कि जो 1 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जो एक आवर में 1 किलोमीटर जो हमारी वेलोसिटी चल रही है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है उस टर्म को, और आपका किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं, आसान है। व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी की बात की, लेकिन ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हम डेली कोई भी बात करें, कोई भी एग्जांपल ले, मान लीजिए कोई बॉडी है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड पे चल, इक्वल डिस्टेंस वो कवर करती रहती है, ऐसा तो नहीं होता। डेली अगर हम देखें तो क्राउडेड स्ट्रीट आती है, साफ रास्ता आता है, तो अलग अलग तरह से आप स्पीड को बनाते चलते हैं या वेलोसिटी को बनाते चलते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो हम इस केस में क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं, एवरेज। तो एवरेज स्पीड की अगर आप बात कर लें इसी तरह से जी, या फिर आप बात कर लें जो एवरेज वेलोसिटी है इसकी बात कर लें, किसी की बात कर लें, एवरेज ले लेते हैं। एवरेज मतलब आप इसका टोटल डिस्टेंस ले लेंगे कि मान लीजिए 10 किलोमीटर था और ये कितने टाइम में आप यहाँ पहुंचे, मान लीजिए आप 4 घंटे में यहाँ पहुंचे हैं, 4 आवर में यहाँ पहुंचे हैं 10 किलोमीटर, तो आपको सिर्फ सीधा क्या करना है, टोटल टाइम ले लेना है कि टोटल जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय आपने टोटल टाइम ले लेना है, टोटल टाइम। आपने अब बीच का कोई इंटरवल नहीं लेना कि यहां से यहां तक कितने में पहुंचे, यहां से यहां तक कितने में पहुंचे, टोटल इनिशियल पॉइंट का और फाइनल पॉइंट का टोटल डिस्टेंस ले लेना है, यानी कि 10 किलोमीटर डिवाइड बाय 4, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, यानी कि एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, क्योंकि स्पीड के अंदर हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी इस तरह से निकलेगी। तो इस तरह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आप समझ सकते हैं, टोटल ले लेना है बस इसमें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। और वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो वही है हमारी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की, तो इसलिए यहां हमने टोटल नहीं लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो टोटल लिया है उसने वहां तक पहुंचने में, तो एवरेज वेलोसिटी वो हो जाती है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ओडोमीटर क्या होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं, कहां पे आपने देखा है। ओडोमीटर आपका जो ऑटोमोबाइल से उनके अंदर लगा होता है, जो आपका मीटर है आपने देखा होगा जो किलोमीटर दिखाता है, मोटरसाइकिल में कार में जो किलोमीटर दिखाता है,
वो ओडोमीटर होता है, उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। ये हमारा डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है, जैसे कि हमने बात की डिस्प्लेसमेंट को नहीं डिस्टेंस को। आप चाहे गाड़ी को वहीं घुमाते रहें, एक ही जगह पे घुमाते रहें, सर्कल में घूमते रहें, तो मीटर चलता रहेगा, यानी वो टोटल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को नहीं। तो डिस्टेंस कवर जो कितना किया है व्हीकल ने, ये वो बताता है। और ये जो है ऑटोमोबाइल्स में आपने देखा होगा, हर एक बाइक में, हर एक कार में, जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, सब में ये लगा होता है कि कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर चुके हैं। तो ये था हमारा साइंस का क्विज सेकंड। इसमें हमने कुछ लिए बेसिक क्वेश्चन साइंस के, और इसी तरह की वीडियोस के लिए जो है आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।